लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्या हुआ? क्या हुआ? वो मेरी इज्जत। कौन है वो? एक बार मुझे उसका नाम बता दो। कौन है वो? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन आपको उसकी शक्ल बता सकती हूँ। बताओ कौन इनमें से वो? बताओ, बताओ कौन है वो शैतान? ये क्या बोल रही है सर? ये झूठ बोल रही है सर, मैं कसम खा के बोलता हूँ, झूठ बोल रही है। ये मुझे फंसाने की साजिश है सर। आरा आराम खोर सर, ये झूठ बोल रही है सर। कपट। सारे लड़कों में से सिर्फ तुझ पर उंगली उठी है, और कोई भी शरीफ लड़की अपनी बेइज्जती करके किसी दूसरे पर झूठा इल्जाम नहीं लगा सकती। आज तक मैं तेरी सारी शरारतें, तेरी सारी मस्तियों को बचपना समझकर माफ करता रहा, लेकिन आज तूने वो कानून तोड़ा जो मेरी लिस्ट में नहीं था, और आज तुझे मैं वो सजा दूंगा जो मेरी लिस्ट में नहीं है। ये ऐसे नहीं बोलेगा मेजर, इसे पुलिस के हवाले कर दो, अपने आप इसकी जुबान खुल जाएगी। नहीं कमिश्नर, इसमें मेरी और मेरे कैंप की बदनामी होगी, इसे सजा जरूर मिलेगी। और इसकी सजा यह है कि आज के बाद ना तो कहीं ये पढ़ पाएगा और ना नौकरी कर पाएगा, और इसके कैरेक्टर का मैं वो सर्टिफिकेट बनाऊंगा कि अपने आप से छुपता फिरेगा। कमन बॉयज, आज पहली बार मेरे दिल ने फैसला किया था करण। अच्छा हो जो तुमने हरकत कर दी, वरना मुझे सारी जिंदगी अपने फैसले पर पछताना पड़ता। छी, ये ले। अच्छा वाह बेटा, अपना ख्याल रखना और सुन, खेल कूद मस्ती मजा के साथ साथ तुझे ये भी याद रखना है। ओ माँ, तू बेफिक्र रहे, वो नाम कमाएगा मेरा भाई कि तू भी गर्व से कहेगी क्या बेटा पाया मैंने, है ना? Now get lost, sir. Out, sir. 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 अच्छा तब मैं चलूं? इतनी भी क्या जल्दी है? हाँ, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊंगा ना। वैसे भी आज तो खुशी का दिन है। बहुत खुश हो? क्योंकि तुम्हारे रास्ते का कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। हाँ, वो हरामजादा उस लड़की से प्यार करने लगा जिस पर मेरी नजर थी, अब वो उसे जिंदगी भर नफरत करने लगेगी। और उसकी जो जिंदगी बर्बाद हुई है वो तो अलग बात है। सर आप? हाँ मैं, जिसने पहली बार आज धोखा खाया है, जिसने पहली बार तेरे किए की सजा एक मासूम को दी है, जिसने पहली बार इन हाथों से किसी निर्दोष की चमड़ी उधेड़ी है। आरामखोर, मैं सोच भी नहीं सकता कि मेरा कोई स्टूडेंट कमीनेपन की हद तक गिर सकता है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? अभी तो सिर्फ हाथ उठाया है, तुझे तो मैं जूतों से मारूंगा। ए मेजर, मैं कर नहीं जो तुम्हारी मार खाऊंगा। बस बस, हर चांटे के बदले 100 जख्म बना दूंगा तेरे जिस्म पर। करण, मैं जानता हूं मैं कायदे प्लस कानून का बड़ा सख्त आदमी हूं,
लेकिन आज मैं तुझे इजाजत देता हूं कि तोड़ दे मेरे सारे कायदे प्लस कानून और सिखा दे इस हरामजादे को कि डिसिप्लिन प्लस इंसानियत क्या होती है। मार बेगुनाह होने के बावजूद जितनी तूने मुझसे मार खाई है उतना तो अगर अपनी औलाद को भी मारता तो, लेकिन तूने सब कुछ खामोशी से सह लिया और मेरी मेरी जिंदगी बचाने के लिए अपना अपना खून तक बहा दिया। नहीं सर, नहीं, इसे आप खून मत समझिए, इसे आप गुरु दक्षिणा समझिए, अपने स्टूडेंट की तरफ से। I'm proud of you, my son. सब क्या हो रहे? कौन तुम्हारा यहां किया? उस हरामजादे को हम खुद मारेंगे, छौ की छौ गोलियां उसके सीने में दाग देंगे। सारे कैंप के सामने उसने हमको मारा, हमारा खून भरा, ये हमारा जाति मामला है भैया। उससे बदला हम खुद लेंगे, हम खुद लेंगे। तेरा खून का हमारे खून से अलग है का? उसने तेरा नहीं हमारा खून बहाया भैया। ये निशान तेरे चेहरे पर नहीं, हमारे दिल पर लगे, हमारे दिल पर। हेमुना देख, हमारा नाम काली है और जवान भी काली है हमारी। हम जो कह देते ना वो हो जाता है, वो हराम ज्यादा मरेगा। हम भी चलेंगे मुन्ना तेरे साथ, हम भी चलेंगे। ए गुलाम, काली निकाल रहे हमरी, चल मुन्ना। क्या कर रहे हो साली जी, ये क्या कर रहे हो? इसमें इतना जोश में आने की क्या बात है? मामूली फौजी की तरह दुश्मन के सामने जाकर लड़ने की क्या जरूरत है? अरे आदमी है तुम्हारे पास, एक कर्नल की तरह पीछे से ऑर्डर दो। वाली की बेइज्जती का बदला जरूर लो, मगर दिल से नहीं, दिमाग से। एक का बात हमका समझ में आ गया। हे मुन्ना, तू कानो चिंता मत कर, हम उस हरामजादे को हिसार लहसन वा सिखाएंगे कि सारा दुनिया हंसेगा उस पर। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? छोड़ दो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो, छोड़ दो। शुक्रिया, छोड़ दो मुझे। अरे नहीं 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 छोटे साले जी, अरे कहाँ इज्जत उज्जत लूट रहे हो अपाहिज की? शरीफ लड़की है, खाली साड़ी उतार के फेंक दो साली की, घर पहुंचते पहुंचते शर्म के मारे खुदाई पानी पानी हो जाएगी। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, 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 छोड़ दो
जानती है तुझे ये जिल्लत क्यों उठानी पड़ रही है? हा? जानती है तू? तेरी भाई की वजह से मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरा कोई कसूर नहीं है। अपने भाई से कहना कि बाली ने कहा है तुम्हारा अगर कोई लफड़ा किया तो तेरे जिस्म पे ये पेटीकोट और ये ब्लाउज नहीं रहेगा, समझी? चल। क्या हुआ मुन्ना, क्या हुआ? रमा क्या हुआ बेटी? रोमित बेटी कुछ तो बोल। रमा क्या हुआ? बोल ना बेटी। रमा रमा क्या हुआ? बोल बेटी। रमा क्या हुआ बता मुझको, किस तरह अंदर तेरे साथ प्यार करती? ना बता मुझे। बता दे बेटी। एक बार ना बता। एक बार ना बता। कौन है वो? कौन है वो? बता दे। कौन है वो? कौन है वो? भैया। तूने मेरी लाचार बहन को हाथ लगाया, और अगर मौत का बच्चा तो मेरे सामने आज साले। साले जी तुम्हें बाद में मौका दिया जाएगा, सबसे पहले तो हमें इसके साथ वो करना है जिसके लिए हमने इसे यहाँ बुलाया है। मैं ना कहता था इसकी दुख तिरक पर हाथ रखो तो ये खुद यहाँ आ जाएगा। रामजादे, हमरे भाई के खूबसूरत चेहरे पे बदसूरत निशान बनाया तूने, कुत्ते की तरह पीटा उसको। ये जब छोटा सा था ना, स्कूल में मास्टर ने इसको थप्पड़ मारा था, हमने लठ मार के मास्टर का सर खोल दिया था, और तूने हमरे मुन्ना पर हाथ उठाया, हमरे भाई पे। गिरफ्तार कर लो इस हरामजादे को इंस्पेक्टर, इसने हमरे आदमी का खून किया है। झूठ बोल रहा है छोटे साहब, झूठ बोल रहा है। इस आदमी को खून मरा नहीं, इसने किया है। इस बात का सबूत इसके हाथों में ये रिवॉल्वर। इस सबूत के जरिए आप इसको फांसी के फंदे तक पहुंचा सकते हैं इंस्पेक्टर साहब। ये क्या कर रहे हो आप? इसकी उंगलियों के निशान क्यों मिटा रहे? इनकी उंगलियों के निशान नहीं मिटाएंगे तो उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आएंगे? समझ गया। कानून की वर्दी पहनने के बावजूद तुम दोनों इन लोगों में से हो, मगर इस रिवॉल्वर पर मेरी उंगलियों के निशान तो तब बनेंगे ना कुत्तो, जब मेरी ये मुट्ठियां खुलेंगी। खुलेंगी। लोगों की किस्मत मुट्ठी में बंद होती है, तेरी बदकिस्मती तेरी मुट्ठी में बंद है, ये तो जरूर खुलेंगी। इसके लिए चाहे हमको तेरा सांसें भी बंद करना पड़ा तो हम कर देंगे। भागने ना पाए।
यशपाल कहाँ है भाभी? वो ऊपर है, क्यों? ठीक है। क्या बात है? बड़े गुस्से में दिख रहे हैं अंकल, क्या बात है सुती है? अरे मेजर, ना कोई तार ना टेलीफोन, कब आया? जब मुझे मालूम हुआ कि पुलिस में बेकाबू होकर मासूमों को अपना शिकार बनाने लगी है। अच्छा अच्छा, तो तू अपने स्टूडेंट की वकालत करने के लिए आया है? वकीलों की जरूरत सिर्फ मुजरिमों को होती है यशपाल, कारण जैसे निर्दोष और बेगुनाहों को नहीं। कौन कहता है कि वो बेगुनाह है? क्या सबूत है उसके पास कि वो निर्दोष है? निर्दोष की सबसे बड़ी मजबूरी यही तो होती है कि उसके पास सबूत नहीं होता। और रहा सवाल बेगुनाह होने का, तो मैं कहता हूं, मैं मेजर लाठी, जिसने उसे सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी झांक कर देखा है, ऊपर से नीचे तक परखा है, जाना है समझा है, वो इस तरह का घिनौना जुर्म कभी कर ही नहीं सकता। शायद तेरे समझने में गलती हुई है मेजर, तुझे तो उस लड़के को उसी दिन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था जिस दिन उसने एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डाला था। उस दिन मुझे गलतफहमी हुई थी, आज तुम्हें गलतफहमी हो रही है यशपाल। बातें मत हो लाठी, देख उस खूनी के लिए तेरे दिल में हमदर्दी होना जायज है क्योंकि वो तेरा स्टूडेंट, लेकिन कानून के लिए वो एक मुजरिम है, सारे सबूत उसके खिलाफ है। लाठी मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि अब उसकी किस्मत का फैसला मेरे हाथ में नहीं, अदालत के हाथ में है। बाहर देख बे बाहर, जेल में जाने के बाद फिर ये मौसम देखने को नसीब नहीं होगा। 14 साल के बाद जब तू छूटेगा ना तो कमर टेढ़ी हो चुकी होगी और आंखों से बराबर दिखाई भी नहीं देगा साले। अरे ये तो बिल्कुल ही चुप हो गया, अदालत में तो बहुत चिल्ला रहा था। सच्ची पागल है तू, एकदम पागल है। अरे क्या जरूरत थी तेरे को काली बाबू के भाई के साथ दुश्मनी लेने की? क्या जरूरत थी? तेरी बहन की इज्जत थोड़ी लूटी थी, सिर्फ साड़ी तो निकाली थी। गर्मी अभी बाकी है, निकल जाएगी ये गर्मी भी जेल में जाने से पहले निकल जाएगी छोकरे। कानून का फैसला मेरे भाई ने माना होगा, मैंने नहीं। जेल जाने से पहले एक आखिरी मुलाकात बहुत जरूरी थी, वरना अंदर तू तड़पता रहता और बाहर मैं। याद है हा? याद है किस तरह ये हाथ बरसे थे मेरे चेहरे पर? हा? याद है तुझे? मजा आएगा, घाव पर घाव लगाने का मजा ही कुछ और है। ज़ादे, तेरे जख्म को मैं अब नासूर बना दूंगा।